व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए मैंगो खिचड़ी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही यमी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में झटपट बन जाती है। कोई भी झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बहुत लंबा टाइम नहीं लगना है। आप इसे ज़रूर बनाएं और एक बार टेस्ट करें और तब फिर आपको अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं। चलते बनाते हैं व्यूअर्स। ये देखिए, ये कप, एक बड़ा कप चावल लेना है इसी कप से, और उसको 15 मिनट बासमती चावल लेना है, उसको 15 मिनट भिगो देना है। उसके बाद उसका पानी छान दीजिए और फिर एक कुकर लीजिए। कुकर में वो चावल, हम धुला हुआ चावल जो बासमती हमने धोया है, उसको इसमें डाल देना है, कुकर में डाल देना है। देखिए, ये इसी कप से हमें 4 कप पानी इसमें डालना है। दो, तीन, ये 4 कप पानी चला गया। अब 2 टेबल स्पून हम घी डालेंगे इसमें। ये देखिए, देसी घी है, देसी घी डालना है। 2 टेबल स्पून घी चला गया। अब इसे हम गरम करेंगे, खौलाएंगे थोड़ी देर, इसको चला देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चावल हमारा उबलने लगा है। अब हम इसमें ढक्कन लगाते हैं कुकर का और 1 सीटी आने तक पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, 1 सीटी आ चुकी है, इसका प्रेशर अभी निकल जाएगा थोड़ी देर में, तब तक हम मैंगो ग्रेवी बना लेते हैं। हमने पैन एक रख लिया है। अब हम इसमें आम का, जो ही हमने एक बड़ा आम का पीस में काट कर उसका पल बना लिए हैं, पेस्ट ग्राइंड कर लिए हैं, और अब इसको इसी पैन में डाल देंगे। और ये चीनी है, ये 50 ग्राम चीनी है। मीठा आप पर है, आप जितना पसंद करते हैं उतना डाल लीजिए। और ये नारियल का बुरादा है, आप ताज़ा नारियल का भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमने ये डाला है कद्दूकस करके, नारियल का चूरा। और इन सबको हम धीमी आँच में, बिल्कुल लो आँच में इसको भूनिएगा, नहीं तो ये जल्दी से जलता है, पकड़ लेता है नीचे। इसको हम अच्छे से भून लेते हैं तब तक, जब तक ये इसका मिश्रण गाढ़ा ना हो जाए, क्योंकि चीनी भी अभी घुलेगी तो उसका पानी छूटेगा, और पानी को भी हमें सुखाना है, कच्चापन नहीं रखना है। फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ हद तक हमारा पेस्ट तैयार हो रहा है, लेकिन अभी इसको और हमें भूनना है। जब तक आइए हम अपने चावलों को एक बड़ी सी थाली में निकाल लेते हैं। ये देखिए, जो कुकर में हमने पकाया था अभी चावल, इसको हम इसी थाली में निकाल लेंगे। तो हमें अच्छे से फैला देना है ताकि ये ठंडा हो जाए, बहुत गर्म ना रहे। बहुत गर्म चावलों को हमें पल्प में नहीं मिलाना है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट बना है। बस इसी तरह का घोल हमें तैयार करना है। इस स्टेज पर आने के बाद गैस बंद कर देना है और हमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मिलाना है इसमें, थोड़ा सा काजू, और भी ड्राई फ्रूट कोई मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं। और अब हम इसमें वो जो चावल हमने निकाल के रखा था ना उबाल कर, उसको भी इसी में डालेंगे। पेस्ट गाढ़ा होने के बाद ध्यान रखिएगा, गैस बंद करके हमें ये सब मिलाना है, ठीक है? और ये देखिए, बिल्कुल हल्के हाथों से आप मिलाइएगा पेस्ट, क्योंकि चावल हमारा टूटे नहीं, वैसे भी गली है,
गली खिचड़ी ही अच्छी लगती है, तो मैंगो खिचड़ी बना रहे हैं, तो इसको अच्छे से मिलाएंगे, तो ये बहुत बढ़िया बहुत टेस्टी बनेगा। बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि पेस्ट हमारा गाढ़ा था ना, तो चावल भी गाढ़ा है, खिचड़ी की तरह है, तो अच्छे से मिलाना है इसको। और ये देखिए हमने अच्छे से पेस्ट को चावलों को मिला लिया है। अब इसको हमें क्या करना है, गैस जलाएंगे, अब बिल्कुल लो फ्लेम में, जैसे दम देते हैं आप बिल्कुल उसी तरह आपको देना है, और इसको ढक्कन लगाकर हम सिर्फ 2 मिनट के लिए दम देंगे, उसके बाद गैस बंद कर देंगे, फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखिए 2 मिनट हो गया है, अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और 1 मिनट बाद इसको खोलेंगे, अभी नहीं खोलेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखिए 1 मिनट हो गया है, अब इसको हम खोल कर देखेंगे। वाह कितनी टेस्टी है, कितनी यमी दिख रही है, आप भी इसे जरूर बनाएं, आपको भी पसंद आएगा। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों हमने मैंगो खिचड़ी सर्व कर दिया है सर्विंग प्लेट में, और आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है, इसे आप एक बार ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही यमी लगती है, बच्चों को भी अच्छा लगेगा, बड़ों को भी अच्छा लगेगा, बार बार बना के खाएंगे, और इसमें ज़रा भी टाइम नहीं लगता, सिर्फ चावल उबल जाए बस, उसके बाद फिर फटाफट तैयारी हो जाती है, ज़रा भी टाइम नहीं लगता, इसलिए आप इसे ज़रूर बनाएं एक बार। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखें। फिर कोई रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज़।